अलैकम एवरी वन आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुली ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का करम है हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं आप सबकी बहुत सारी दुआएं हैं हमारे साथ और हमारे अल्लाह का बहुत सारा करम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रबालमीन बहुत देर के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आप लोग भी कहेंगे ये आंटी ये बाजी जो हैं वो बीच में से कहाँ ग़ायब हो जाती हैं कभी आने लग जाती हैं कभी छोड़ देती हैं बेसिकली ये मेरा एक शौक है लेकिन इस शौक़ के रास्ते में बहुत सारी कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से बिज़नेस की वजह से घर की वजह से बच्चों की वजह से कभी मैं इसे पोस्ट नहीं कर पाती और कभी कभी अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से तो ये देखें जनाब ये है मेरा होम ग्रोन धनिया माशा से इतना अच्छा ग्रो हुआ हुआ ये आप लोग भी आपके पास अगर कोई गमला हो छोटा भी हो तो आप उसमें ये ग्रो करें इतना एक तो इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ये है पालक माशाल्लाह से पालक भी बहुत अच्छी हो गई है और अपने हाथ से उगाई हुई अपने घर में उगाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है और बड़ी सेटिसफेक्शन होती है तो मैं तो बस ये करती हूँ अपने लेयर टाइम में मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ इनसे प्यार करती हूँ ये आप माशाल्लाह देखें ये मैंने एक नया पौधा लिया है इनडोर प्लांट है लेकिन अभी मैंने इसे कुछ देर के लिए बाहर रखा हुआ है तो आप ज़रा इनके कट्स देखें माशाल्लाह से इनके खूबसूरत कलर देखें माशा सुबहान अल् बस मैं इनसे प्यार करती हूँ और अल्लाह की कुदरत जो है उसको देखती हूँ उसका शुक्र अदा करती हूँ कि या तूने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पैदा की हुई और अल्लाह ताला यही फरमाते हैं सूरह रहमान में कि और तुम किस किस चीज़ को झुटलाओगे तो मेरे रब की कुदरत देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये मैं बस जब भी बाहर निकलती हूँ मैं इनको देखती हूँ इनसे बातें करती हूँ और इन से बहुत प्यार करती हूँ दुआएं पढ़ पढ़ के अपने बच्चों की तरह मैं इन पौधों पे भी फूंकती हूँ कि ये खैर से बड़े हों और हर बीमारी से बचे रहें और इसी तरह से अपनी खूबसूरती दिखाते रहें बहुत सारे मैंने इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं इन वो भी मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊँगी आज मेरे घर पे एक छोटा सा इवेंट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से मेरे बहन भाई भी आए हुए हैं उस इवेंट में शामिल होने के लिए और हम सब से मिलने के लिए भी ये वीडियो तकरीबन डेढ़ महीना पुरानी है जो मैं अब, अब पोस्ट कर रही हूँ ये तब की वीडियो है जब लाहौर में एक स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था तो रामीन के सबद्य जो थे वो हमारे पास हमें मिलने के लिए भी आए थे और बारह नवम्बर को रामीन की बर्थडे होती है तो बस फिर हमने वो भी सब ने मिलकर सेलिब्रेट की थी तो ये आप देखें जनाब ये सारी तैयारियां रामीन की पुप्पो ने रामीन ने और रामीन के भाई जो कि इसकी पुप्पो के बेटे हैं इन्होंने मिलकर सब ने ये तैयारियां की हैं ढेरों ढेर इन्होंने माशाल्लाह से गुब्बारे फुलाए हैं और बहुत प्यार से और बहुत ही इन्जॉय करके इन सब ने ये तैयारी की और बहुत 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 हमें मज़ा आया हमने बहुत इंजॉय किया रामीन ने अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था इस तरह से ये एक गेट टुगेदर भी हो गई थी हमारी और हमने इसको बहुत इंजॉय किया था क्योंकि लाहौर से भी हमारे बहुत सारे प्यारे बहन भाई आए हुए थे हमें मिलने के लिए माशाल्लाह से हमारे ड्राइंग रूम का कोना कोना इन्होंने सजा डाला था ये आप देखें माशाल्लाह से हर जगह पर पहले इन्होंने ये गुब्बारे फुलाए और रामीन ने अपनी बर्थडे का थीम भी रखा हुआ था रेड एंड ब्लैक तो ये आप देखें माशाल्लाह से इतने ख़ूबसूरत ग़ुब्बारे इन्होंने पहले बहुत देर लगा के फुलाए पुप्पो ने और पुप्पो के बेटे ने और बस फिर जनाब इन्होंने मिल के ये सारी डेकोरेशन की और सारा ड्राइंग रूम बहुत प्यारा बना दिया हमने फॉर द टाइम बीइंग इसकी सेटिंग भी चेंज की थी थोड़ी सी क्योंकि सब मेहमानों ने इधर ही जमा होना था और यहीं पर हमें बर्थडे की सेलिब्रेशंस भी करनी थी और ये माशाल्लाह से कोई इतने अच्छे बलूनस थे कि ये सारी रिकॉर्डिंग जो है ना ये डेढ़ महीना पहले है यानी तकरीब बारह नवंबर की ये सारी तैयारियां हैं और रिकॉर्डिंग है मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये क्योंकि ये वही गुब्बारे आज भी हमारे ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं और माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे के वैसे कि इनकी जो शाइनिंग होती है ना वो भी ख़त्म नहीं हुई हुई इतने अच्छे लग रहे हैं ये माशाला से और आज भी ये डेकोरेशन ऐसे ही है बिल्कुल तो बड़ा ही मज़ा आया था और हमने बहुत इन्जॉय किया था और आइए जनाब अब मैं आपको लेके चलती हूँ बर्थडे की टेबल पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके लिए बर्थडे के लिए क्या मेन्यू अपना रखा हुआ था और किस तरह से हमने इसको बनाया था बस मैं रेसिपीज़ जो हैं उसमें आपको शामिल नहीं कर सकी क्योंकि बहुत सारा काम होता है और अगर मैं साथ फिर इसको शूट करने लगूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की मोर और लेस सारी रेसिपीज जो हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो आइए जनाब मैं आपको दिखाती हूँ हमने जनाब ये केक बाहर से ऑर्डर करवाया था बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त ये केक बना हुआ था साथ जनाब जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया था साथ ये देखें जनाब ये ड्रामीण की ट्वेल्थ बर्थडे थी माशाल्लाह से और ये मैंने साथ फ्रूट ट्राइफल बनाया था सैंडविचेस बनाए थे दही बड़े बनाए थे मैंने साथ फ्राइड चिकन था साथ नूडल्स थी फ्रूट चाट थी ये आप लोग देख सकते हैं जनाब ये हमने सारी तैयारियां की थी रामीन की बर्थडे के लिए अभी कुछ चीज़ें जो कि उसी वक्त फ्राई होनी थी ना वो टेबल पे नहीं आई हुई वो बिल्कुल उस वक्त आई थी जब हमने केक काटा था तो साथ साथ हम लाते जा रहे थे रिफिल करते जा रहे थे बहुत सारी चीज़ें तो बस इस तरह से जनाब ये हमारी टेबल सेटिंग है जो कि सब ने बहुत इंजॉय करके चीज़ें खाई थी बहुत मज़ा आया था क्योंकि सब प्यारे बहन भाई जमा हुए हुए थे तो बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया था और ये केक तो बहुत ही कमाल का बन के आया था मैं अगर आप लोग कहीं तो मैं इनका लिंक बना लूँ जो है की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ये रामीन की प्यारी प्यारी सी क्लास फेलोज उसकी फ्रेंड्स हैं बस रामीन ने अपनी क्लास फेलोज के साथ भी और सब प्यारे अपने रिलेटिव्स के साथ भी बहुत अच्छा एक गेट टुगेदर हो गया था हमारा और बड़ा ही हमने इंजॉय किया था और बड़ा हम रिफ्रेश हो गए थे इस छोटे से इवेंट के साथ लाजानिया चिकन लाजानिया भी था ये जनाब आप देख सकते हैं मैंने ये मैंने आपको तो बताया ना कि हाँ, कुछ गर गरम चीजें आई थी नूडल्स भी आ गई नहीं है ये दही बड़े हैं लेकिन मैंने उनकी कोई पिक्चर नहीं ली कोई शूट नहीं मैंने किया कि किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता तो सारी उसकी फ्रेंड्स को भी हमने इनवाइट किया फ्रेंड्स की मदर्स को भी इनवाइट किया हुआ था अल्लाह ताली के रहमत करे मेरे वाले साहब कहते होते थे कि जब भी अपनी बच्ची की सहेलियों को बुलाएं ना तो उन्हें कभी अकेला नहीं बुलाना चाहिए हमेशा उनकी मदर्स को साथ इनवाइट किया करें ताकि बच्चियां अकेली ना आए उनकी मदर्स भी देखें कि हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं किस तरह का माहौल है किन लोगों में जा रही हैं इस तरह से पेरेंट्स की एक सेटिसफेक्शन हो जाती है तो हम मैं हमेशा अप रामीन की फ्रेंड्स की मदर्स को भी साथ इनवाइट करती हूँ मैं जब भी कोई भी रामीन भी का इवेंट रखूँ इसी तरह मुझे बहुत अच्छी तरह याद है हम अपने घरों में भी जब अपनी फ्रेंड्स को बुलाते थे तो हम अपनी फ्रेंड्स की मदर्स को भी साथ जरूर बुलाते होते थे यहाँ जनाब बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो केक काट रही है ये फ्रेंड्स के कोई छोटे छोटे कोई बहन भाई हैं वो भी साथ आए हुए हैं तो बस जनाब बड़ा ही मज़ा आया बड़ी रौनक लगी हमारे घर में माशाल्लाह से सब ने मिल बहुत 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 इंजॉय किया था तो बस इस तरह से यहाँ तक हमारी बर्थडे पार्टी थी इसके बाद बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे जिनको मैं शूट नहीं और ये जनाब आज के ताज़ा तरीन क्लिप्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ बैलून्स के माशाल्लाह से कि आप देखें डेढ़ महीने के बाद भी बैलून्स माशाल्लाह से पूरी आबोताब से लगे हुए हैं और मैं रोज़ इनको कहती हूँ कि चलें अब बस करते हैं लेकिन मेरी हेल्पर और रामीन वो कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छे लगते हैं इनको अभी फेंकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है